जान जोखिम में डालकर उसको घर तक पहुंचाया। इलाहाबाद में बहुत सारे जो बच्चे थे जो परीक्षा के लिए वहां इलाहाबाद में फंसे थे उनको भी घरों तक पहुंचाने का काम किया। कोरोना की परवाह न करते हुए भी हमारे चालक और परिचालकों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। ये इसलिए हम लोग पुरानी बसों को चलाते, हमारे यहाँ नियम है कि या तो 10 साल पुरानी बस हो या 11 लाख किलोमीटर चल चुकी हो उसको हम निष्प्रयोग करते हैं। अभी हमने 778 पुरानी बसों को नीलामी हेतु निष्प्रयोग घोषित किया जा चुका है। 150 में जाते मेरे जवाब फिर पूछिएगा बता दें 150 नई बस BS6 बसें क्रय की जा चुकी है। 775 नई BS6 बसों को बस बॉडी निर्माण का काम गतिशील है। 150 नई डीजल बस एवं 100 CNG बस क्रय करने की प्रक्रिया गतिशील है। बसों की सफाई धुलाई के लिए डिपो में ऑटोमेटिक बस वॉशिंग प्लांट लगे हुए हैं। जो 40 बसों से कम की जो डिपो है वहां पर हम मैनुअल कराते हैं, उसकी भी सूची है, यदि आप कहेंगे तो भेज देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक दूरी तक परिवहन निगम द्वारा बसों की अनुबंधित कर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों संचालित करने हेतु ग्राम बस अनुबंध योजना 2022 दिनांक 28/9/2022 को लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 100 किलोमीटर तक की दूरी अनुमन्य है। और आपने जो कहा कानपुर के बारे में जो कारखाना है आपके भी सरकार में, मैं आपको दे भी कहा वहां पर उसको बंद कर दिया गया था, और बंद करने के बाद आपकी सरकार ने उस जमीन को वहां सिग्नेचर बिल्डर को दे करके वहां पर बिल्डिंग बनाई गई थी। हमारी सरकार ने वहां 150 से ज्यादा कारीगर जो बेकार पड़े हुए थे उनको कोई काम नहीं था। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पहले अपने कर्मचारियों को से अपने वो बनवाएगी बॉडी को, और उससे जो बचेगी उसको टेंडर किया जाएगा। ये पहली बार मैंने व्यवस्था किया, और वहां पर जाकर के धनतेरस के दिन अपने चेयरमैन हमारे MD मैं स्वयं और आप विधायक अपने सुरेंद्र मैथानी जी यहाँ बैठे हुए ये स्वयं गए, और वहां से मैंने इसका कार्य प्रारंभ कराया था। और भी अब जो प्रश्न होगा तो चले बात। श्री समरपाल सिंह, समरपाल उनका भी नाम बैठे नहीं, उनका समरपाल सिंह जी, अरे आप बैठिए, उनका भी नाम है, आप एक नहीं है, अरे आप उनका भी नाम है, आप बैठिए, जिद मत करा करिए। अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम उनको भी अधिकार है, सेवा को अकेले अधिकार नहीं, अरे वो ठीक उनको भी अधिकार है, उनका भी नाम है, प्रश्न पूछे समरपाल जी। आपने बोलने का मौका दिया, शुक्रिया आपका। मैं तो बोलने का नहीं, पूछने का। मैं तो ये सोच रहा था मंत्री जी अकेले हैं, आज लक्ष्मी नारायण जी, हमारी दादी बेबी बीमार हो जाते, बुखार खांसी जुकाम तो दवा देती थी कृष्णा पिक्चर, तो आज कृष्णा पिक्चर बना दिया मंत्री जी को, सबका जवाब यही दे रहे। मैं सोचा कि मंत्री जी परिवहन का भी यही जवाब देंगे। अब कुत्ता अगर पूछ मार देता है तो डेंट पर जाता है इनकी बसों में, ये हालात है। आप ये देखिए रोज ये कह रहे 778 बस है और 150 नई बस कमी दी है। अब 150 से काम कर देगा 778 बस रिटायर। अरे और भी बताइए, 700 कई बार बताइए आपने सुना नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट बस जो है, जो अपनी लोग चलाते हैं प्राइवेट बस है, उनमें गुंडे परेशान कर रहे हैं, पुलिस उन्हें परेशान कर रहे हैं, RTO इनके उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो तब भी फायदे में जाते हैं या घाटे में क्यों जाते हैं बताया जाए? ये सरकारी बस है, ये घाटे में क्यों जाती है उनकी? मेरे नौगावा क्षेत्र में डिपो नहीं है, ये कहते हैं सब जगह डिपो बना दिया, तहसील स्तर की जगह है डिपो नहीं है, वहां से कारोबार होता है कपड़े का बहुत बड़ा, पानीपत के लिए कई बार लूट हो गई, बीच में 3 जगह बस बदलनी पड़ती है। मंत्री जी एक बस की व्यवस्था, 2 बसों की व्यवस्था, वहां से भर के जाएंगी सिटी पार्क में, वो करवाया जाए। और मैं इनसे अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो बस अड्डा मेरे क्षेत्र में एक बनवाया जाए, जो बस अड्डे सब जगह बने हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी एक बस अड्डा बनवाया जाए। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 12, उन्होंने को पूछा नहीं, आपको बताया है, उन्होंने कहा कि मेरा ये निवेदन है, उसको सोच विचार कर लिया, कोई प्रश्न तो उन्होंने किया ही नहीं। श्रीमती पिंकी सिंह, पिंकी सिंह साफ रख दे दीजिए, महिला सदस्यों का अवसर, पिंकी सिंह मैं 1600 पिंकी सिंह को कहा 150 बसें चल चुकी है, और
पिंकी सिंह पिंकी, अरे देखिए आप वैसे ही महिलाओं के आप सम्मान नहीं करते, बैठो माननीय अध्यक्ष जी। पिंकी सिंह माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुप्रचारित उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस देने संबंधित, जहां पर माननीय मंत्री जी का जवाब आता है, उन्होंने एक संख्या दे दी कि 1,75,02,198 कनेक्शन दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं, क्योंकि उक्त उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाएं अपनी बदतर आर्थिक स्थिति के कारण 1100 रुपए का सिलेंडर पुनः भरवा पाने में असक्षम है। आज जहां से शुरू किया था वहीं पर वो आने पर मजबूर है, वही लकड़ी और उपलों के कारण उन्होंने उसी चूल्हे पे आकर आज अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत लेकर जो दोबारा सिलेंडर भरवा पाने में असक्षम है, मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे कितने परिवार हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसी महिलाएं, ऐसी गृहिणियां, परिवार जो दोबारा गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार सोचेगी या मुफ्त में सिलेंडर देने का काम करेगी। मेरा तीसरा प्रश्न कि जो सब्सिडी जो आज दी जा रही है 235 रुपए 39 पैसे, क्या उस सब्सिडी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजने का काम करेगी या नहीं माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है जिसमें ये मुफ्त कनेक्शन दिए गए, आदरणीय पिंकी यादव जी ने बताया था 235 रुपए आज भी इस पर सब्सिडी दी जाती है। माननीय मंत्री जी एक सेकंड, ये अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात है माननीय सदस्यों की, उधर भी तो पीछे आपके लिए इसीलिए व्यवस्था करी गई है, वो इतना मस्त है कि उनको पता ही नहीं है। अजय जी, अगर कोई बहुत जरूरी बात है तो पीछे लॉबी इसीलिए मैंने अच्छी करवाई है कि आप वहां जाकर बातचीत कर सकते हैं, कोई जरूरी बात तो कर लें, लेकिन मंत्री जी से ज्यादा आवाज अगर सब तरफ से आएगी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे कॉफी भी पीजिए और बात भी करिए, फिर आ जाइए। माननीय मंत्री जी, मानवर माननीय सदस्य जी ने पूछा था एक इतने कितने परिवार हैं जो अक्षम हैं, इस तरह का ना तो आपका सवाल में कहीं पूछा गया, ना इसकी ही कहीं कोई जांच कराई जाती है इसका, और आज तक इस तरह की कोई सूचना विभाग को भी नहीं किसी ने दी। एक हमको सब्सिडी पे कनेक्शन, मुफ्त कनेक्शन दिए गए और अब हम सब्सिडी लेने के बाद भी नहीं भरवा पा रहे हैं, इस तरह की भी कोई सूचना नहीं है। यदि कोई सूचना आएगी तो उस पर कोई विचार किया जाएगा। पिंकी सिंह, माननीय मंत्री जी आपने जिस सूचना की बात कर रहे हैं, अगर आप हकीकत में जाकर देखें तो 235 की सब्सिडी की जगह 221 रुपए दिए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि सरकार चाहेगी सूचना लेना और सरकार की मंशा होगी कि ऐसे लोग निकल कर आए, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत इतने करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन दे दिए, पर आज की जमीनी हकीकत यही है कि उज्ज्वला योजना के दिए कनेक्शन आज कहीं ना कहीं कबाड़ में बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं घरों में सजे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जो है गृहणियां उस महंगाई के चलते जहां 1100 रुपए का सिलेंडर हो जाता है लेकिन सब्सिडी वही के वही रुकी हुई है। तो मेरा प्रश्न उसमें साथ साथ ये भी है, क्या प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार को सब्सिडी को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजेगी? माननीय मंत्री जी, जी मैं माननीय वर्मा जी भी कुछ इस पे कमेंट कर रहे कह रहे, मैं वर्मा जी को भी याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी से पहले
इस देश में आपकी और हमारी चिट्ठियों के बावजूद भी 250-300 रुपए सिलेंडर पर ब्लैक लिया जाता था। ये मोदी जी के हाथ के पास ये क्या संदीप कौन है? मोदी जी के आने के बाद मुफ्त सिलेंडर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बात थी, क्योंकि आदरणीय जाके पैर में पति बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई, मोदी जी ही जानते थे इस कष्ट को। वो ऐसे गरीब घर से आए थे, उन्होंने इसको दिया, हमारी माता बहनों की ही आंखों की रोशनी चली जाती है। अरे उत्तर आ रहा है, अरे देखो स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्तराधिकारी भी कुछ कहना चाह रहे थे शायद। स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्तराधिकारी नहीं, अरे रुकिए, अब कहा क्या आप बुला दो महिलाओं को, पीड़ा बोलो आपके पास बोलना पीड़ा पीछे, आप महिला है क्या? महिलाओं को पीड़ा, महिलाओं को बताने दीजिए, महिला का पति हूँ, उसे सुरक्षा चाहता हूँ। बैठिए बैठिए, आप मुझे लग रहा है कि आप काफी पीड़ित हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, आप काफी पीड़ित हैं, बैठिए मानी वर्मा जी, संरक्षण दीजिए। हाँ संरक्षण दे रहा है इसलिए बिठाया, नहीं तो काफी कुछ गड़बड़ हो गया। माननीय पिंकी जी ने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न किया, उसका उत्तर आ गया क्या? नहीं आया आप देख लें, अगर उत्तर आया हो बता दें। उसका उत्तर आ गया, सरकार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने का काम करेगी, इसका उत्तर नहीं आया। आ गया, आ गया। हाँ या नहीं, यही तो होगा। अरे आ गया ना, नहीं आया का मतलब समझ लो ना, बैठो। प्रश्न क्या? 13 श्री अरमान खान जी है, पूछे। अध्यक्ष जी, मुझे अवसर देने के लिए आपका हृदय से आभार। सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को भी मेरा अभिवादन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रदेश के जरदोजी कारीगरों के संबंध में उनके पुनर्वास, पेंशन आदि से संबंधित प्रश्न किया था। वो प्रश्न जो सिर्फ इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं, वरन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में रहने वाले उन हजारों कारीगरों से संबंधित है, जो आज भुखमरी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मान्यवर, इस संबंध में माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है उनके विभाग के पास जरदोजी कारीगरों से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है। मैं कविता के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रश्न पूछिए, कविता नहीं, मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि साहब, ओ साहब, कभी खेती करते देखा है किसानों को नहीं, बुनकरों को, खेतों में नहीं कपड़ों में। बुनकर जो बनाता है धागा, बुनकर जो बनाता है अपने दिमाग की माप, जिसमें धागे निकलते हैं मस्तिष्क के, जो घास बन जाती है हमारी सभ्यता और संस्कृति में। बुनकर जो बनाता है रंग, प्रश्न करिए अरमान खान साहब, जो बनाता है, मनित जी उसी पे आ रहा हूँ, बुनकर जो बनाता है रंग, बुनकर जो बनाता है साड़ी पर नक्काशी, जैसे दुल्हन के पांव में रची होती है मेहंदी। साहब, ओ साहब, कभी खेती करते देखा है इन बुनकरों को? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे बुनकर समाज का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में होता है, वैसे ही क्या जरदोजी श्रमिक कारीगरों के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई विशेष योजना सरकार लाएगी, ताकि उनका आंकड़ा आपके पास, सरकार के पास उपलब्ध हो सके? इसके अतिरिक्त क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, क्या सरकार कारीगरों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, क्या इन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की श्रेणी में इन्हें मान्यता देगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ये उठा सके? इसके अलावा माननीय मंत्री जी क्या ये बताने का कष्ट करेंगे, जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि भुखमरी के कगार में पहुंचे इन जरदोजी कारीगरों के पुनर्वास और इनके उचित पुनर्वास होने तक इन्हें और इनके परिवार की जीविका चलाने के लिए पेंशन सुविधा क्या दी जाएगी? माननीय मंत्री जी,
माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा सवाल है माननीय सदस्य का। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, आपने भी चर्चा किया, हमारे बनारस में भी हमारे बुनकर और हमारे जरदोजी के बहुत हुनरमंद लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे बनारस में एक टीएफसी सेंटर का स्थापना दिल्ली की सरकार ने किया है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कारीगर हैं, जरदोजी के कारीगर हैं, हमारे जो बुनकर हैं, उनको अवसर देने के लिए, उनको बाजार उपलब्ध हो सके, उनका हुनर और निखर सके, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके, इस बात के लिए विश्व स्तरीय टीएफसी सेंटर को बनाने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं। और माननीय सदस्य को मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, कभी कभी आज आएंगे भदोही पर भी, आप माननीय सदस्य चिंता न करें, और कभी कभी लोग समझते हैं कि इस क्षेत्र में आश्रित एक वर्ग के लोग काम करते हैं, लेकिन आप बनारस चलिए, मैं दिखाऊं घर घर में किस तरह से हमारा हिंदू समाज के लोग भी, मुसलमान समाज के लोग भी, हर वर्ग के लोग इस क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, जो सरकार ने फैसला किया है, हमारे यहाँ हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार की योजना उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। हमारे यहाँ हस्तशिल्पियों के कौशल को निखारने के लिए, उनको समय समय पर प्रशिक्षित करने के भी योजना सरकार चला रही है। दूसरा, जो हमारे ऐसे हुनरमंद लोग हैं, खास तौर पर जरदोजी के क्षेत्र में दुनिया में बहुत डिमांड है उनकी कला का, वो जो काम करते हैं, उनके निर्यात की भी व्यवस्था सिर्फ देश में ही नहीं बाजार हम दे रहे हैं, प्रदेश में ही नहीं बाजार उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि दुनिया में उनको हम बाजार देने का काम कर रहे हैं, और निर्यात में भारी छूट देकर जरदोजी और बुनकर, हमारे समाज के जो लोग हैं जो बुनकरी का काम करते हैं, उनको सरकार मदद पहुंचाने का काम कर रही है। हम हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना सरकार अलग से भी चला रही है। आपका जो सवाल, हम उस पर भी आना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कोई पेंशन की योजना सरकार की है, तो हम बताना चाहते हैं कि पेंशन की योजना है, हर पेंशन का एक मानक निर्धारित है, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना सरकार चलाती है, और जरदोजी जो हमारे हैं, हमारे बुनकर जो है, उनको 500 रुपया प्रतिमाह की पेंशन की व्यवस्था एक मानक निर्धारित है, उस अगर मानक की सीमा में अगर हमारे जरदोजी के, हमारे बुनकर भाई आ रहे हैं, तो उनको हम पेंशन भी देते हैं। और हम स्वागत करना चाहते हैं दिल्ली सरकार का, जैसे अटल पेंशन योजना भारत की सरकार लेकर आई, उसी तर्ज पर बुनकर भाइयों के लिए, जरदोजी के हमारे भाइयों के लिए योजना लाई है। अगर एक थोड़ा अंशदान करके, हमारे अगर बुनकर साथी अंशदान करके अगर इस योजना का लाभ अगर वो उठाना चाहें, तो भारत सरकार ने एक पेंशन योजना चालू किया है, और 7 वर्ष के बाद प्रतिमाह उनको 3,000 रुपया पेंशन की व्यवस्था भारत सरकार करने जा रही है। तो मैं आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, और सरकार की प्राथमिकता है, और जो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है, अगर उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ है, तो मैं समझता हूं जहां पर भी ऐसे हमारे कारीगर हैं, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ है इस योजना का, तो हमारे जरीदरी के जो लोग हैं, हमारे जो बुनकर समाज के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा, जावेद भाई आपके भदोही में भी मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा उनको मिल रहा है, तो इस योजना का तो स्वागत करना चाहिए। ये जो हमारी रीढ़ रही है, हमारी जो पुरानी परंपराएं रही हैं, हमारी जो संस्कृतियां रही हैं, आज उसको बल देने का भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।
धन्यवाद। प्रश्न संख्या 14 श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी, आप उनके प्रश्न के ऊपर कब्जा नहीं करें। राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी, अरे खुद तो लगाते नहीं, दूसरों को नहीं करते। सभी जनपदों में प्रदेश के जो कारागार है, कारागार में जो बंद कैदी है वो क्षमता से कई गुना ज्यादा बंद है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। रहने की व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी में मान्यवर, जनपद बस्ती में 600 के अगेंस्ट 1100 कैदी बंद है, मुरादाबाद में 600 के अगेंस्ट 3200 कैदी बंद है, एक पे 6-6 लोग, एक रहने की क्षमता के स्थान पे 6 लोग 7 लोग बंद है। उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उनकी सुविधाएं नहीं है मान्यवर, तो उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है इसको सरकार दूर करने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, संबंध में जानना चाह रहा था। तो उसमें मेरा मान्यवर संक्षेप में क्वेश्चन है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षमता से अधिक बंद कैदियों को रहने के लिए मानक के अनुरूप भवन कब तक बनाएंगे, नंबर एक। और जो वर्तमान में जो कैदी बंद है उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनकी सुविधाएं जो परेशानियों में है कब तक दूर करने काम करें, इतने प्रश्न मारा। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये बात सही है कि संख्या के आधार पर बंदियों की संख्या ज्यादा है, ये बात हम मानते हैं। और वही बात आपकी, बढ़ाने की बात बैरकों में या व्यवस्था क्या है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के 75 जिलों में खुद कुल 64,223 बंदी की क्षमता है। इसमें हम आपका ही अनुपूरक है, मैं अनुपूरक का भी जवाब दे रहा हूं। देना ओवर का देना, अनुपूरक का ही देना दीजिए। ओवर क्राउडिंग के निवारण हेतु श्रावस्ती में 502 एवं प्रयागराज में 2688 बंदी क्षमता का कारागार निर्माणाधीन है। पुरानी 3 कारागारों क्रमशः जिला कारागार गोरखपुर 30 क्षमता की 1 नग बैरक, केंद्रीय कारागार वाराणसी 30 क्षमता की 7 नग बैरक तथा जिला कारागार मथुरा की 30 क्षमता की 4 नग बैरक निर्माणाधीन है, जिसे 31/3/2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य हमने रखा है। इसके निर्माण होने से कुल 3,550 बंदों की क्षमता का सृजन होगा। पहले दिया उसको मैंने पढ़ भी लिया है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है कि 64,000 कैदी वर्तमान में क्षमता रखने की और उसके अगेंस्ट में 1,14,000 बंद है। तो मान्यवर जो आप उत्तर दे रहे हैं या आपने जो दिया भी है, 5 साल के बाद भी क्षमता के अनुरूप तब भी नहीं बना पा रहे हैं। हम आपको मिला रहना यह है मान्यवर, पूरे पूरा पूरा आपका उत्तर सुन लीजिए। 30 क्षमता की 23 नग बैरक तथा 12 क्षमता की 3 नग उच्च सुरक्षा बैरक का निर्माण प्रस्तावित है। चलिए धन्यवाद, बैठिए। आज नियम 301 के अंतर्गत 63 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 24 माननीय सदस्यों की, बताइए आप, बताइए प्लीज। मानवर पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, पिछली नहीं पिछली से पिछली, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्टों के नाम बदल दिए गए थे, उनमें कुछ जनपदों के नाम बदल दिए गए थे, उसमें हमारा जिला नहीं था संबल। अभी इसमें व्यवस्था क्या है मैं बताता हूँ। हाँ। अभी हमारे माननीय विधायक श्रीमती पिग्गी यादव जी ने जब क्वेश्चन किया अपना, तो स्क्रीन पर जब इनका इंट्रोडक्शन आ रहा था उसमें संबल की जगह वही भीमनगर लिखा हुआ है। देखिए इस बात में गलती कैसे हुई, उसके उसमें उन्होंने शायद कहीं लिखा होगा अपने जो प्रोफाइल होगा, हम चेक करा लेंगे। अगर माननीय आपका विषय आ गया, अगर माननीय पिंकी जी ने अगर वही लिखा था जो इसमें है तब भी उसको संशोधित करा देंगे, अन्यथा संशोधित करेंगे, उसको देख के गलती कहाँ जरा बताएंगे। दूसरा मान्यवर, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है हम लोगों के लिए, इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, चाय वाय नहीं मिल जाती है, मगर चाय नहीं मिलती। क्या मिलता? कॉफी मिलती चाय भी मिलेगी, चाय चाय की व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था तो आपने चाय के लिए की थी, ऑर्डर हो गया, व्यवस्था तो आपने चाय के लिए की थी, प्रबंधन आपने कर दिया कॉफी का, मैंने कॉल उसने
देखिए कॉफी और चाय दोनों मिलेंगी। अरे बैठो ना, आप लखनऊ वाले पी क्या करें, पानी भी नहीं है। बताइए रिजवी साहब, पानी भी नहीं? हाँ ठीक है, पानी की व्यवस्था कराएंगे। तो सर आपने अभी देखें, मार्शल अभी जाकर देखें, जितना काम सर आपने किया है विधानसभा में सुधार का, उल्लेखनीय, पूरी दुनिया देख रही, और आपकी जितनी प्रशंसा किया जा सकता है, जो सुझाव हमारा है इसमें भी आप काम करा दें। आप पार्लियामेंट के तर्क पर सारी व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी कैंटीन की व्यवस्था बहुत ही रद्दी और चर्चित है, वहां न तो टोस्ट मिलता है, न तो पावरोटी मिलती है, न मक्खन मिलता है, हम लोग शाम को जाते हैं कुछ नहीं मिलता, और जो खाने का है साथ इतना रद्दी खाना हमने दुनिया में कहीं देखा। आज दोपहर को आपके साथ खाऊंगा, इससे बढ़िया तो वो निगम वाले चलाते। चले मैं देखता हूँ इसके लिए, और दूसरा अवश्य निर्देश भी दूंगा, खुद चेक करूंगा। दूसरा सुधार सर, जैसे पार्लियामेंट में विधायक का एमपीओ का एक प्रकोष्ठ होता है, जहाँ सारे एमपी चिट्ठी दे देते हैं, वो सर्कुलेट हो जाती है, पटल पर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, पटल पर व्यवस्था दीजिए, पटल पर दीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा, पटल पर सारी चिट्ठी दे दीजिए, आप दे दोगे मैं व्यवस्था कर दूंगा, एक अलग से बैठा दूंगा। अब यहाँ सारे विधायक देते हो, यहाँ सर्कुलेट मैं करवा दूंगा, यही सर इसको करवा देंगे, प्रमुख सचिव वहां पर एक पटल पर व्यवस्था करेंगे, जो माननीय विधायक लोग किसी भी विभाग का जो पत्र देते हैं वहां से पत्र चढ़कर और वहां से रिसीव होकर इनको सूचना मिलेगी, हो जाएगा। चाह रहा हूँ मेरे माध्यम से किसको कहना चाहते हो? माननीय अध्यक्ष जी बड़ी दिक्कत, किसको कह रहे हो? आप माननीय अध्यक्ष जी को कह रहा हूँ। अच्छा बताओ, माननीय अध्यक्ष जी को कह रहा हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं? माननीय अध्यक्ष जी, आपका नव निर्माण हुआ है आपका दारू छपा का, एक उसमें 40 विधायक है, और 40 विधायक इतने परेशान है कि माननीय अध्यक्ष जी आपके टाइम से हाउस के अंदर नहीं आ पाते, क्यों? ना कैंटीन है, ना खाने की व्यवस्था है, और 40 विधायक रहते हैं, हमको इतनी परेशानी है। मैंने आपसे निवेदन भी किया था, आपने निर्देश भी दिया था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे अनुरोध है, इसके लिए माननीय संसदीय की व्यवस्था देने दो ना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय व्यवस्था बोलने दो ना, माननीय अध्यक्ष जी बैठिए, श्यामला जी बैठिए, यादव जी बैठिए प्लीज। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जवाब आने दीजिए प्लीज, मंत्री से रिक्वेस्ट करिए, मैंने हम कोई ना कोई वजह होगी, मैं माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट, अभी मैं इस तैयारी के साथ नहीं आया था, कोई बात नहीं, यही पर उठाया मैं मैटर, मैं आज ही राज संपत्ति अधिकारी को बुला लूंगा, उनकी बात भी सुन लूंगा, लेकिन होना चाहिए ये सही। ठीक है, धन्यवाद। आज नियम 301 के अंतर्गत 63 जिसमें 24 सूचनाएं देगी, शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी उपस्थित, श्रीमती पूनम संखवार खड़ी बैठी बराबर ही लगती है, श्री प्रदीप कुमार यादव नहीं है, कहाँ है? अच्छा इधर है, श्री राम निवास जी, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री राजीव तरारा, श्रीमती सलोना कुशवाहा, श्री पंकज गुप्ता, आज मैं कुछ बोलने वाला था इनके लिए, नोटिस लगाइए तो उपस्थित रहिए, कल आपके नोटिस लगे थे आप उपस्थित नहीं थे, या विड्रॉ कर लिया करिए। श्रीमती नीलिमा कटियार नहीं है, शेतुल प्रधान, श्री लकी यादव नहीं है, नहीं जब अगर मेरे खत्म होने तक उनका वॉशरूम खत्म हो जाएगा तो ले लेंगे, अब बुलाने मत जाओ भाई। मोहम्मद ताहिर खान, श्री ब्रजेश कुमार रावत, श्री ब्रजभूषण राजपूत,